बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई थिंक सब ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो जी आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज आपको जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये जी आपको दोनों ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग बड़ी ही सिंपल नज़र आएगी, और लेकिन ये है जो है ना वो आपको एलिगेंट लगेगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल और बहुत मिनिमम सी इसमें डिटेल है। अगर हम आ जाएं इसके गले पे, तो दी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको बिल्कुल राउंडिश फॉर्म में है, अलग से जो है वो अंगरखा स्टाइल में या इस तरह से कुछ नहीं करवाया। इसको जस्ट साइड पे डोरी जो एजिंग होती है ना वो दे दी है, और ये देखें जी इस तरह से आपको लुक नज़र आएगी। और नीचे जो है ना ये स्लिट्स हैं, इसी को जो है वो सेपरेट कर दिया है और नीचे आपको स्लिट्स नज़र आएंगे। ये मैं अगर इसको थोड़ा सा हटा दूँ, यस यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। इस स्लिट को हमने खुला छोड़ दिया है लाइक ओपन, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर से ओपन नहीं है, ये अंगरखा स्टाइल में साइड से थोड़ा ओपन है। ठीक है जी, ये है इसकी लुक नीचे से। और साइड इसके साइड्स पे अगर आ जाएँ तो ये आपको कंट्रास्ट कलर में एडिंग नज़र आएगी साइड्स पे। ठीक है जी, और अगर नीचे घेरे पे आएंगे तो वहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल प्लेन है सिलाइयों के साथ। और अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर। एम्ब्रॉयडरी जो है उसकी बड़ी अच्छी और नाइस है, तिल्ला फॉर्म में है, और इसके स्लीव्स पे भी इसी तरह से ये पीस था जॉइंट किया हुआ। उसी के आगे जो है ना वो एजिंग करवा ली है इन शॉकिंग कंट्रास्ट कलर। और अगर इसके गले की बात करें तो आपको चार बटन्स जो हैं ये यहाँ पर एडिशनल नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से लुक देने के लिए, और इट्स क्वाइट सिंपल है, यू कैन सी द कंट्रास्ट एज वेल। और ये जो है जी इस शर्ट की लुक है। इसमें आपको कलर्स भी हैं बड़े फोकसिंग से लग रहे होंगे और अट्रैक्टिव हैं। अब आ जाते हैं जी हम इसके शलवार पे। इसके साथ ट्राउज़र नहीं है, और शलवार जो है ये आपको प्लेटेड फॉर्म में नज़र आएगी बेल्ट में, और जो प्लेट्स के साथ होती हैं ना ये वो वाली है, सेम वही। और बिल्कुल सिंपल जो है, इसके पांचों को भी बिल्कुल सिंपल रखा है, और ये थोड़ी सी लूज़ शेप में होती है ना। तो शर्ट जो है वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड थी और काफ़ी भरी हुई थी, तो शलवार बिल्कुल प्लेन आपको नज़र आएगी। ये देखें जी, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ठीक है जी, इसकी आप थोड़ी सी डिटेलिंग चेक करें। ये आपको एम्ब्रॉयडर्ड फॉर्म में नज़र आएगा, दोनों कलर्स में एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही है। इसका सेंटर जो है ये जी मोटिव फॉर्म को नज़र आ रहा है, और साइड पे जस्ट प्लेन पट्टी की तरह एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है जी, ये इसके गले की लुक है। मैंने इसको बिल्कुल से भी छेड़ा नहीं है, जिस तरह से थी एज इट इज़ वैसे ही है। और अगर हम इसके घेरे की बात करें तो जी यहाँ पे फ्रंट और बैक में थोड़ा सा डिफरेंस है, और 5 to 6 इंचज़ आई थिंक आप कह लें, यस इतना ही होगा आई थिंक। तो जी ये जो है फ्रंट इतना जो है वो लेंथ में कम है, और बैक इसकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। अगर आपको इस तरह से नहीं भी अच्छा लगता ना तो डोंट वरी, आप लोग इसको बिल्कुल जो है वो सिंपली एक जैसा भी फ्रंट और बैक को रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, तो मैं इसको फ्रंट को थोड़ा सा जो है ना वो लेंथ कम में ले आती हूँ। तो अब अगर इसके चॉक्स पर बात करें तो जी चॉक्स पर गोल्डन पट्टी मेरे पास थी, मैंने वही अटैच करवा ली है इसको थोड़ा सा ना वो कहीनली करने के लिए, और इससे थोड़ी सी लग्जरियस लुक आ जाती है, तो आने जाने में बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए ना। और बाजू पे भी अगेन आपको यही पट्टी नज़र आएगी, और इसमें जी एक ट्विस्ट है, और मैंने जो थोड़ा सा चेंज किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पीपल, यहाँ पर अगर हम इसके बाजू की बात करें ना तो ये स्लीव्स जो मेरे पास थे ये जी सेम स्टफ़ में मेरे पास अवेलेबल थे, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में एम्ब्रॉयडर्ड फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मोटिव्स जो हैं एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ठीक है जी, ये मुझे मिला था एज अ ट्राउज़र पैच, लेकिन मैंने इसको ट्राउज़र पे अटैच नहीं करवाया है। ये ज़्यादा स्टफ़ मतलब जो था ना मेरे पास पीस काफ़ी बड़ा था जो एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे दिया था। तो ये देखें इसके स्लीव्स जो हैं ना वो बड़ी आसानी से दोनों स्लीव्स बने हैं, और खुली वाली फॉर्म में ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो आपको स्लीव्स की चौड़ाई जो है ना वो एक ही जैसी नज़र आएगी, ये बेल फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, और ये बिल्कुल जो है ना ऊपर से नीचे एक जैसे खुले हैं, मतलब इतना कपड़ा जो था ना वो एक्स्ट्रा था मेरे पास, हियर यू कैन सी ना।
अब आ जाते हैं जी हम इसके ट्राउज़र पे। ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल है और नीचे जो बॉर्डर पे सॉरी एजिंग एज है ना इसका, यहाँ पे मैंने वही सेम गोल्डन लेस जो है वो अटैच करवा ली है। और दुपट्टा जो है वो ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में है कि इसको भी कुछ करने की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत थी। इसका बॉर्डर देखें जी, और यही इसके पल्लू पे डिज़ाइनिंग है, यही बॉर्डर पे है, तो जी इसको तो कुछ सिरे से ही करने की ज़रूरत नहीं है। और हेयर यू कैन सी द फुल लुक ऑफ दिस ड्रेस, शलवार कमीज़ और दुपट्टा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फॉर द सिंपल डिज़ाइंस, तो जी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।